वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। सो बहुत ही सत्कार योग सुखपाल सिंह खैरा जी ने पंचायती बाड़ी का जरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा चुकया। जो आओ पैड़ी है वो जिस वेले रेलवे स्टेशन के उत्ते प्लांटेशन की उ 40-45 गऊं जिहड़ियां सीगियां उत्थे आवारा सीगियां उन्हां नूं संभालण वास्ते उत्थे दे जिहड़े पिछली सरकार दे विच सरदार हरजिंदर सिंह जी उन्हां नूं पैसे दे के ये जमीन उन्हां दे कोल लई है। तो फिर सरकार ने इन्हां ने कोई ला निकलिया सीगा कि जमीना जिहड़े जिन्हां दे कोल आ उन्हां नूं अलाउड कीतियां जाण। उहदे वास्ते दो किस्तां वी जिहड़ियां तारियां उस तों मगरों सरकार ने जिहड़ा हैगा कोई भी उहदे उत्ते ना उन्हां नूं कोई अगे तुरिया। उत्थे गऊआं वास्ते उह जमीन आ गऊआं उत्थे गऊशाला बनी हुई है बाकी सारी जमीन दे विच पट्ठे बीजे हुए आ। सो उह गऊआं वास्ते आ जदों भी जे सरकार चाहुंदी है साडे सत्कारयोग जिहड़े हैगे आ मंत्री धालीवाल साहब साडे सत्कारयोग CM साहब मुख्यमंत्री साहब जदों भी मर्जी आण के इस स्थान की चाबी जिहड़ी हैगी आ उह लै सकदे इहनां नूं संभाल दी जिम्मेवारी जो भी चाहुंदे आ लै सकदे। असीं उहदे उत्ते असीं अति प्रसन्न होवांगे क्योंकि उत्थे गऊआं की संभाल हो रही है तो असी गऊआं की संभाल फिर भी करते रहेंगे। तो यहो जी वो किसी मनसा दे नाल जा कहीए कि उत्थे जिहड़ा किन्नी जिहड़ा गऊआं है तो गऊआं दे वास्ते आ। सो असी बहुत बहुत खैरा साहब का भी धन्नवाद करते हैं कि जिहड़ा इस मुद्दे नूं ध्यान विच लिआंदा ते असी जिहड़ी हैगी आ असी जो असलीयत आ जिस तरह है वो तुहाडे सामने रखिआ। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक बार फिर जिहड़ा पंचायत दीआं जमीनां ते नजायज़ कब्जे ने ताकतवर लोगों के पोलीटिकल पोलीटिशनज़ के ब्यूरोक्रैट्स के ते लैंड माफिया के क्योंकि ये काफ़ी मुद्दा इस वक्त पंजाब दे विच गरमाया होया वा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों जिहड़ा जाके छोटी बड़ी नगल पिंड आ मुल्लांपुर चंडीगढ़ के लागे उत्थे कहता जाके जी 2828 एकड़ सी कब्जा छड़ा लिया तो उहदे चों गणाता जी कि 125 किला सिमरनजीत सिंह मान दे परिवार सारे नगल छोटी वड्डी नगल दे पुराने नवे सरपंच पंच सारे मेरे कोल आए। वो कहिंदे साडे कोल असीं 400 तों ज़्यादा परिवार इफेक्ट होया वा। 1873 दा साडा मालकी दा रिकॉर्ड आ असीं मालकी खाने च बैठे हाँ काश्तकार दे खाने च नहीं बैठे पर उहदे बावजूद सिर्फ क्योंकि प्रचार करना सीगा तो मेरा ख्याल कितने ना कि सिमरनजीत मान के नाल नफरत की भावना के नाल मुख्यमंत्री साहब उत्थे आप खुद गए तो उत्थे एक बोर्ड ला के आ गए कि असी 2828 किले जमीन छुड़वा ली। हालांकि वह सारा विवादित मुद्दा वा पर मेरे को अज डॉक्यूमेंट्स जिहड़े ने वो मैं तुहानू दो पिंडां दे डॉक्यूमेंट्स दिखाउणा चाहुंदा जिहड़े मैं जिहड़े सारे मीडिया के सामने भी पेश किए ने। ये दो पिंडां दा जिहड़ा वेरवा हैगा वा ये कपूरथले जिले के दो पिंड ने एक हैगा वा जामेवाल पिंड जिहड़ा कि सुल्तानपुर लोधी की तहसील फॉल करता तो दूसरा है फतेवाला पिंड यह भी सुल्तानपुर लोधी तहसील चा जिला कपूरथला दोनों के ये दोने जिहड़े पिंडां दा रेवन्यू रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। बकायदा तौर पर तुहानूं हुण समझाउणा वा ये 21 एकड़ जमीन है जिहड़ी वो बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल के नजायज़ कब्जे के मैं अदरवाइज बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल का सत्कार करता कोई मेरी जाति लड़ाई नहीं की लेकिन गल हुण असूल दी चल रही पंजाब दे विच कि की आया ताकतवर लोगों कोलों सियासतदानों कोलों भगवंत सिंह मान की सरकार जमीना छडावेगी कि गरीबों के उत्ते कहर मचावेगी। झलेड़ी कलां पिंड फतेहगढ़ साहब अत गरीब बंदे अरनो पिंड छतराणा पातड़ा के लागे अत गरीब बंदे भमें कलां पिंड लुधियाने अत गरीब किसान और असी सारे ने कहा कि गरीबों तो मत छडाओ जिहड़े चंडीगढ़ के नेड़े प्रभावशाली लुधियाना अमृतसर जलंधर के जिहड़ा जिहड़े ताकतवर पोलीटिकल बंदिया ने कब्जे किए ने उन्हां दी जमीना छडाओ। तो यह जिहड़ा मैं फर्द तुहानूं नेड़े तों दिखा सकदा वां इहदे च जिहड़ियां चार रेलेवेंट कॉलम्स ने इन्हां विच्चों पहली कॉलम जिहड़ी हैगी आ
वह तुसी देख सकते हो। दूसरी कॉलम दसदा वा, दूसरी कॉलम का तुहानू पहला वेरवा दिना। दूसरी कॉलम का वेरवा यह है कि आ इत्थे लिखा होया नजायज़ काश्त। एक बार कैमरा मिले को नजायज़ काश्त का मतलब आ इलीगल टिलिंग ऑफ लैंड, वो जी वाई की जा रही है, जी खेती की जा रही उस जमीन पर, वो नजायज़ लिखा वा। दूसरा जो कॉलम हों मालकी का कॉलम है, वह इतने आ मालकी का कॉलम है, नंबर तीन कॉलम। ये तुम देखोगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब हैगा ये जिन्हें भी शेयर्स दिते ने, आ शेयर्स लिखे ने इन्होंने, एक मिनट, 16,000 ना, एक 99% शेयर्स मालकी खाने दे विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट देने, इतने प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा है। 99% मालकी खाने विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी है। और आगे आ गया काश्तकार का खाना, एक एक इन वाह कौन रहा। इस काश्तकार के खाने दे विच तुसी देखोगे ते आण के आ एक बारी निगाह मारोंगे, एक काश्त का खाना है, नंबर चार कॉलम जी काश्त का खाना इतने आ गया। अगे जो भी इन्हों चैरिटेबल ट्रस्ट है बाबा सीचेवाल का, निर्मल कुटिया, ये दो पिंड जी जमीन है दोनों पिंड की, ये बाबा बलबीर सिंह के कब्जे, काफ़ी दहाकों तो कब्जे च, और यदा साबित हो गया रेवन्यू रिकॉर्ड बोलता वा कि यह नजायज़ काश्त नजायज़ काश्त कर रहे हैं। मालकी खाने में सरकार बैठी है, पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी है, काश्त के खाने में काबज़ खाने के इन्हों का जरा ट्रस्ट बैठा वा दो पिंड की जमीन के, 21 एकड़ जमीन है। और पिछले कुछ दहाकों तो जिनी देर की फसल वगैरह जी बीजी जा रही है, बेची जा रही है, वह सारा इन्हों के अपने ट्रस्ट में या अपने निजी अकाउंट में पैसा जा रहा, किसी पंचायत के खाते कोई एक रुपया नहीं जा रहा। मैं अज चिट्ठी लिखी है भगवंत सिंह मान को, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रेवन्यू रिकॉर्ड है लेटेस्ट 18-19 की जमाबंदी मेरे को इस वे हाथ में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़े मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस और वो कॉपी जी है कुलदीप सिंह धालीवाल पंचायत मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचते कर दते। हूँ देखना यह होगा कि की आया ये जो कैंपेन है, ये सिर्फ पोलीटिकली मोटिवेटेड है कि सिर्फ सियासियों के उत्ते वार करने, विरोधियों की जमीन छुटाउनियां ने, गरीब मार्जिनल गरीब छोटे किसानों की जमीन छुटाउनियां, कि ताकतवर बंदे जिहड़े इन्हां दे हन, क्योंकि सीचेवाल बलबीर सिंह सीचेवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मैंबर ने, कोई छोटे मोटे बंदे नहीं के, और उन्होंने कोल होर कितनी जमीन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पंचायत की जमीन है, उन्होंने खुद डिस्कलोज करना चाहिए। यह तो सिर्फ जो मैं रिकॉर्ड तुहाडा पेश किया नज़र आया कि 21 एकड़ जमीन और जिनी कमाई हुई वह सारी पिछले कुछ दहाकों की उन्होंने कोल जाती गई है। बेसिकली ये बहुत वड्डे तौर के उत्ते फाइनैशियल डिफॉल्टर है पंजाब सरकार के। इस तो अलावा जरा चंद दिन पहला मैं लिया पब्लिक डोमेन च, वह है बड़ा सुनने वाली गल है ध्यान, वो इन्हों का दूजा जो राज्यसभा का मैंबर है अशोक मित्तल, जिड़े कि लवली यूनिवर्सिटी के मालिक ने जलंधर, वो साडे जिले कपूरथले की जमीन हैगी है, चहेड़ू पिंड की जमीन इन्हों के लवली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अंदर बोल रहे हैं, करीब 1500 एकड़ कैंपस है इन्हों का लवली यूनिवर्सिटी, चहेड़ू एकड़ की बेशकीमती जमीन 13.25 एकड़ इन्होंने 2012 प्रोसैस शुरू किया, 2016 तबादला शो कर दिता, तबादला कर दिता। वो जी अंदर जमीन है यूनिवर्सिटी के, वह 5-6 करोड़ किला वा, मतलब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली चहेड़ू पंचायत की, तो उन्होंने बाहरले पासे जी वई वगदी आ, जिन्होंने आप चिट्टी वई कह दें, जिस बहुत गंदा पानी, तो हड़ का पानी बहुत आता, वो कंडे के उत्ते जी चहेड़ू की पंचायत को जमीन दे दी 13.25 किले, वो कीमत हैगी 15 लाख एकड़, यानी कि 2.25 करोड़ की कुल जमीन 13.25 एकड़, 2.25 करोड़ रुपए की जमीन दे के अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 करोड़ रुपए की जी जमीन चहेड़ू की ले ली और तबादला करता। तुम्हें पता कि जो अमीर आदमी ने इतने सब कुछ मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा वड्डा नुकता, बहुत वड्डा नुकता फिर नोट करो, वह यह है कि 1998 चहेड़ू के विचों दो पंचायत बन गई, एक चहेड़ू पंचायत रहेगी, एक बन गई नानक नगरी, जिहड़ी नानक नगरी आ उन्हों चहेड़ू का 39% शेयर होल्डर बना दिता गया, कि जो भी यदि जायदाद होगी चहेड़ू पंचायत की 39% स्टेक होल्डर शेयर होल्डर जरा नानक नगरी की पंचायत, तो नानक नगरी का कंसेंट ही नहीं लिया, वो विरोध करते रहे, उन्होंने बहुत चिट्ठिया लिखिया डायरेक्टर तो लैके सारे अफसर लिखिया, उन्होंने किसी ने सुनी नहीं। फिर नानक नगरी का सरपंच जरा पिछला सरपंच परशोत्तम लाल, उसने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जाके रिट कर दिते, रिट बड़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई, लवली यूनिवर्सिटी वालों लग्या कि साड़ी तो जमीन चली जाएगी,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ 2016 'ਚ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਸ ਛੇਹੜੂ ਦੀ 1.25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ CLU ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਡਨਲੀ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਟ ਵਾਪਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਈ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੀ ਨਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2828 ਏਕੜ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕੋ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਤ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਰਿਸੀਟ ਆਫ ਯੋਰ ਈਮੇਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ 2007 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲੋਂ 21 ਏਕੜ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਬਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪੰਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 100 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ।